आप मेरी इस वीडियो में, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप Realme C11 के मोबाइल में फेस लॉक स्क्रीन को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना है। फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर आपको जाना है पासवर्ड, फेस पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आप। तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको ऐड फेस लॉक पे क्लिक करना है। ये ऑन हो चुका है, कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देंगे आप। तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपका जो भी पैटर्न लॉक है या पिन लॉक है, इसको जो भी आपको लॉक लगा हुआ है उसको पहले डाल के ओपन करेंगे। ओपन करना है आपको, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप, फेस लॉक, यहाँ पे फेस दिखाना है आपको। तो फ्रेंड्स, मैं फेस दिखा चुकी हूँ, राइट का निशान आ चुका है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर आपको इस पर क्लिक करना है फेस लॉक यूज़ फेस फॉर, उस पर क्लिक करके ये जो डिसेबल होगा इसको अनलॉक करेंगे आप, इसको इनेबल करेंगे इस तरीके से, तब ये स्टार्ट हो चुका है। अब लॉक करते हैं इसको, ऑन करते हैं और चेक करते देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फेस का ऑप्शन आ रहा है, ये लॉक स्क्रीन लॉक हो चुका है। देखेंगे फ्रेंड्स, मेरा फेस दिखाते ही ये ओपन हो चुका है, तो आपको दोबारा भी लॉक करके दिखाती हूँ। इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये देखेंगे फ्रेंड्स, फेस दिखाते ही ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप लॉक स्क्रीन को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटे का ऑप्शन उस पर क्लिक कर देना ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।